हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आज मैं आपको लेके चलूँगा छत्तीसगढ़ के रायपुर के दक्षिण भाग में स्थित दूधाधारी मठ। तो ये इसका एंट्रेंस है, तो चलिए चलते हैं हम अंदर और मंदिर में कौन कौन सी मंदिर है ये हम जानते हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो बहुत ही भव्य इसका एंट्रेंस बना हुआ है और ये तो अभी भी बना है। इसके जो अंदर जो है बहुत सारी जो है मंदिर है, मैंने ऐसा सुना था। तो ये इसका मंदिर परिसर है। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है। दूधाधारी मठ कला और संस्कृति व महंत बलभद्र दास जी का तपोभूमि है। यह मंदिर सभी को आकर्षित करती है। यह पहले ऐसा लगता था कि यह किला है। और चलिए चलते हैं हम यहाँ के जो मुख्य मंदिर है वहाँ की ओर। जस्ट इसके सामने जाएंगे तो ये जो है सबसे फर्स्ट में राम मंदिर पड़ता है। तो चलिए चलते हैं हम अंदर। बहुत ही बेहतरीन मंदिर है ये। मुझे आकर तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जो है पेंटिंग बनाई गई है। और यहाँ पर जो है लगभग लगभग यह राम मंदिर है, तो यहाँ पर राम जन्म से लेकर उनके जीवन की कई प्रमुख घटनाओं का यहाँ पर चित्रित चित्र जो है बनाया गया है। आप देख सकते हैं कई सारे घटनाओं का जो है यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के पुजारी से इस मंदिर के बारे में। ऐसा था कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि चारों भाई संग माता जानकी जी का यहाँ मूर्ति स्थापित किया गया है। इधर देखिए भरत जी ने, इधर देखिए शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, राम जी, सीता मैया जी, ये छोटे बाल गोपाल हैं, झूला भगवान, चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता, नीचे शालिग्राम। और यहाँ जो मंदिर है ये कितना पुराना है और क्या क्या है? सबसे पहले हनुमान जी का निर्माण, हाँ हाँ, है हाँ, उनके बाद बालाजी का, बालाजी के 100-150 साल बाद इनका निर्माण कराया गया और इनको पुरानी बस्ती के गाँव फैमिली वाले कनक भवन, ये उनका दरबार है राम जी का जी, और एक कनक भवन यहाँ शयन कराया जाता है। अच्छा। इस मंदिर परिसर में भगवान राम की कई जीवन की कई घटनाओं का जो है चित्रण किया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे और अलग अलग भगवान की यहाँ पे मूर्ति हैं, जैसे यहाँ पे हनुमान भगवान की मूर्ति है और जस्ट इसके फ्रंट में गणेश भगवान की भी मूर्ति रखी गई है जो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर जो है जो देखिए कई सारे जो हाथी और कई जीव जंतुओं का भी चित्र अंकित किया गया है। दोस्तों चलिए मैं इस मंदिर का इतिहास बता देता हूँ। 1610 में दूधाधारी मठ का निर्माण राजा रघुराव भोसले ने बलभद्र दास जी के लिए यह मंदिर का निर्माण करवाया था। और मठ के अंदर कई सारी देवी देवताओं का मंदिर है, जैसे संकट मोचन मंदिर, बालाजी का मंदिर, रामपचायतन और वीर हनुमान का मंदिर प्रमुख है। और यहाँ पर देखिए जो ये जो राम मंदिर है यहाँ की दीवारों पर जो है कई सारे जो है भगवान के जो है चित्र जो है अंकित किया गया है। यहाँ पे गरुड़ भगवान और नरसिंह भगवान का जो है भी जो है मूर्ति जो है बनाया गया है, जो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप यहाँ आते हैं तो इसे भी देखना ना भूलने ज़रूर आएँ। और ये है गणेश भगवान की मूर्ति, ये बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। इनके जो सोंड है ये जो है एक किसी जगह पर रखे गए हैं जो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आएंगे तो इसे ज़रूर देखें। और यहाँ पर जस्ट सामने में भगवान हनुमान की भी यहाँ पे प्रतिमा है। और यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है, जो सबसे पहला यहाँ का सबसे पहला मंदिर है, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, तो ये सबसे पहला मंदिर है। चलिए जानते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे इस मंदिर परिसर के बारे में। यहाँ के मंदिर के बारे में एक बताइए, हनुमान मंदिर सबसे पहला और सबसे प्राचीन मंदिर है अपना, हनुमान महाराज जी का है। जो पहले तो इधर थे पूर्वाग्रम, हाँ, और एक छोटे से रूप में थे। तो यहाँ पर हमारे जो बलभद्र दास जी महाराज जी जो प्रथम यहाँ के महंत वो आए,
और यहाँ देखिए हनुमान जी के रूप में वो यहाँ आए और यहीं उनका आसन था, यहीं लगाए थे वो, यहीं तपस्या में लीन रहते थे। तो अभी जो एक सुरही नामक गाय आती थी जो अपने आप जो है इनसे उनका स्नान कराते थे, उसी दूध का पान करते थे हमारे कोलकाता राज। तो इस कारण जो है हमारे मठ मंदिर का नाम भी दुधाधारी पड़ा। और जब बालाजी का निर्माण हुआ तो ये अपना देखिए जो है सिर्फ इधर ही दक्षिणाभिमुख, बाकी शरीर का भार जो है सब इधर ही है, बाकी जो इनका फेस है वो सिर्फ बालाजी की ओर है। अच्छा, और मंदिर परिसर में और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर दर्शनीय हैं? श्री राम निवास है जी, और जो यहाँ पे महंत जी जो समाधिस्थ हुए थे वो कौन सी जगह है जहाँ पे सारे डिसीजन यहाँ के जो है वो लिया जाता है ऐसा बताते हैं, तो चलिए बताइए जी। जी हाँ जी, हाँ तो ये है श्री स्वामी बालाजी, बालाजी मंदिर है जी जी, जिनके बाद ये बना है। हाँ, और इनको जो है नागपुर के राजा रघुराव भोसले जी के द्वारा बनाया जी जी जी। और ये मंदिर जो है कितना साल पुराना है? ये 500 साल पुराना मंदिर है जी। और बताया जाता है और कहा भी जाता है हमारे पिछले मंदिरों के अनुसार से यहाँ जो नागपुर के राजा थे वो शिकार खेलने के लिए आए थे तो भटक गए रास्ता, तो हमारे बलभद्र राज जी यहाँ तपस्या में लीन थे, उनकी एक तरफ गाय और एक तरफ से ऐसे हिंसक प्राणी आपस में शांति के साथ बैठे हुए। तत्पश्चात को महाराज जी से बातचीत हुई, तो अब बात करते करते समस्या बताते नहीं है, उस प्रकार से नागपुर के राजा इनको समस्या बताया कि मेरे को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो ये बोले कि हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, तो फिर हनुमान जी से प्रार्थना की तो साल भर के अंतराल उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसी खुशी के उपलक्ष्य में ये बालाजी का मंदिर का निर्माण कराया। और इसके बाद और कौन सी जगह जो दर्शनीय है? आइए समाधि। हाँ चलिए, तो दुधाधारी मठ में बलभद्र जी की जो समाधि स्थल है वहाँ पर चलते हैं और कि देखते हैं कि कहाँ पे समाधिस्थ हुए थे और उनके जो जगह के बारे में कुछ कुछ बातें हैं वो जानते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ समाधि स्थल जो है राजेश्री महंत बलभद्र दास जी का जो समाधि स्थल है वो यही है दुधाधारी मठ में। ये अब जितने दिन अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ दूध का ही आहार है, अर्थात दूध का सेवन किया। हाँ हाँ। और ये 280 साल तक अपने यहाँ सेवा दिए, तत्पश्चात जीते जी समाधि में लीन हो गए, ऐसे खड़े होके एकदम एक टांग में यहाँ समाधि लिए हुए। और यहाँ पे मैंने सुना था कि यहाँ पर जितने भी डिसीजन होते हैं या हाँ, बड़े बड़े हाँ, कुछ भी होता है जैसे बड़े बड़े कार्य होते हैं जो हाँ, डिसीजन लेते हैं हमारे बलभद्र राज एक बार वो एक कागज में लिख के हम लोग अभी भी आज भी होता है हाँ, वो कागज डालते हैं और एक अनजान बालक से उठवाते हैं हाँ, तो अगर उस कार्य करने के लिए हाँ, अगर वो कागज उठता है हाँ वाला हाँ, तो करते हैं, नहीं वाला नहीं करते। अच्छा, और यहाँ पर मेले का भी और कुछ कुछ बड़ा आयोजन होता है यहाँ पर, क्या क्या आयोजन होता है? हिंदू के जितने भी त्यौहार हैं प्रमुख रूप से सब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जी जी। और ये गुरुदेव की जो कार्टून करके जो चीरी रखे थे ना जी जी, वो आज ये वृक्ष बना हुआ है। अच्छा, कार्टून की जो रिलीज करके रखे थे वो ये है जो चीरी बन गया। अच्छा, आइए फिर इधर रसोई घर। यहाँ पर हर दिन मैंने ऐसा सुना था कि यहाँ पे भंडारा का भी आयोजन जो है वो किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो है सुबह शाम दो टाइम यहाँ भव्य भंडारा के रूप में यहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है। सीता रसोई घर है तो यहाँ पर जो है हर दिन जो है खाना बनता है और लगभग 100 से 200 लोग जो है हर हाँ, दिन यहाँ पर जो है खाना जो है खाते हैं। तो ये जो रसोई घर है वो पुराने डिज़ाइन में ही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही पुराने बर्तन जो है डेली यूज़ किए जाते हैं बहुत ही, और पुराने ढंग से ही बनाया जाता है। और ऐसा बोला जाता है जो पुराने ढंग से जो खाना बनाया जाता था वो रियल में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक रहता है। तो आप भी जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का भोजन ज़रूर टेस्ट करें। तो चलिए चलते हैं बाहर और जानते हैं और कुछ इनके मंदिर परिसर के बारे में। तो और यहाँ पे और कुछ है? यहाँ पर यहाँ रात में बनाया जाता है, दिन में बनाया। तो यहाँ पर जो है उस साइड जो है सुबह बनता है और इस साइड यहाँ पे रात में बनता है। यहाँ की जो खासियत है कृष्णवट, इसमें माता सबरी ने राम जी को बेर खिलाए थे, बिल्कुल दोनों का आकार है। देखिए ये बरगद का वृक्ष नहीं है, कृष्णवट है। अच्छा, इसी में कृष्ण भगवान मक्खन खाया करते थे। हाँ हाँ, साथ में माता सबरी जी ने बेर खिलाया था राम जी। अच्छा अच्छा, वही कृष्णवट है। हाँ, ये अभी शिवरी नारायण से लाया गया।
दोस्तों अगर कभी भी अगर आप रायपुर आते हैं तो यहाँ पर घूमने जरूर आएँ। दूधाधारी मठ जो है बहुत ही भव्य मंदिर है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको यह वीडियो, और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिकेटोइट।